हेलो स्टूडेंट्स, वी हैव कंप्लीटेड लेसन नंबर फर्स्ट फ्रॉम ज्योग्राफी, लेसन नंबर फर्स्ट फ्रॉम सिविक्स, एंड आई थिंक नाउ वी शुड स्टार्ट हिस्ट्री, बिकॉज टिल नाउ वी डिड नॉट स्टडी अबाउट हिस्ट्री, सो आई थिंक वी शुड स्टार्ट लेसन नंबर फर्स्ट हिस्ट्री, विच नेम इज वेयर व्हेन एंड हाउ. वेयर व्हेन एंड हाउ यानी कहाँ, कब और कैसे, ये हमारे फर्स्ट चैप्टर का नाम है. वेयर व्हेन एंड हाउ, कहाँ, कब और कैसे. अच्छा स्टूडेंट्स, डू यू नो व्हाई दिस चैप्टर नेम इज वेयर व्हेन एंड हाउ? Yes, absolutely right, because total history is depend upon these three things: where, when and how. Suppose that कि आप कहीं विजिट कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, बस में आप जा रहे हैं, दुकान पे खड़े कुछ लोगों को आप चाय पीते हुए देखते हैं खिड़की में से, तो चाय पीते लोगों को देख करके कभी कभी किसी के मन में ऐसी जिज्ञासा, ऐसी चीज़ें आ जाती हैं, ऐसी थिंग्स आ जाते हैं, थॉट आ जाते हैं कि अच्छा ये चाय सबसे पहले कहाँ बना होगा, कैसे लोगों ने इसको पीना शुरू किया होगा, कैसे इसको लोगों ने ग्रो किया होगा, और सबसे पहले कब इसको पिया गया होगा, है ना. ऐसे जो है चीज़ें हमारे दिमाग में आ जाती हैं कि चाय को सबसे पहले कैसे उगाया गया होगा, सबसे पहले कहाँ इसको लोगों ने यूज़ किया होगा, या कब पहली बार चाय को यूज़ किया गया था, ये चीज़ें आ जाती हैं हमारे दिमाग में. तो ये चीज़ कौन बताता है? हमारी हिस्ट्री बताती है ना. कौन सी इवेंट कब, कहाँ और कैसे घटी, ये बताने का काम हमारा हिस्ट्री करता है. ठीक है, तो इसको समझने के लिए किसी भी इवेंट्स, कोई भी इवेंट कब, कहाँ और कैसे घटा, इसको समझने के लिए हिस्ट्री में पेरियोडाइजेशन कर दिया गया है, तिथि का निर्धारण कर दिया गया है हिस्ट्री को इस आधार पर, ताकि हमको इसको समझने में आसानी हो, है ना. तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है. जो फर्स्ट पार्ट है, हमको पता है कि एंशियंट पीरियड बोलते हैं उसको, यानी प्राचीन काल. सेकेंड जो इसका पार्ट है उसको हम लोग मेडाइवल पीरियड बोलते हैं, यानी मध्यकाल. और थर्ड जो इसका पार्ट है उसको हम लोग मॉडर्न पीरियड बोलते हैं, यानी कि आधुनिक काल. ये तीन काल जो है ना, इतिहास के हैं. क्लास सिक्स में हम लोगों ने एंशियंट पीरियड यानी प्राचीन काल के बारे में पढ़ा है, प्राचीन इतिहास के बारे में पढ़ा है. और क्लास सेवेंथ में हम लोग मेडाइवल पीरियड यानी मध्यकाल के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, और इस पेरियोडाइजेशन का जो मेन रीजन है वो इसलिए इसको किया गया है ताकि किसी समय के, किसी काल के पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक चेंजेस जो हुए हैं किसी निश्चित समय में, उसको हाईलाइट किया जा सके, उसको हाईलाइट किया जा सके, इसी को हम लोग कहते हैं पेरियोडाइजेशन. आपने क्लास सिक्स में पढ़ा होगा, स्टडी किया होगा कि एंशियंट टाइम में होता क्या था कि जो किंग हुआ करते थे अपने आर्मी को, वो जो सैलरी होता था वो कैश में दिया करते थे, और उस किंग का अपने प्रजा पे, अपने राज्य पे वास्तविक कंट्रोल होता था, है ना, एब्सोल्यूट उसका कंट्रोल होता था. और ये राजा
और ये राजा जो है राज्य धर्म के अनुसार, राज्य धर्म के अनुसार शासन करते थे, यानी कि एक राजा का जो धर्म होना चाहिए उसी के अनुसार ये जो है कि शासन किया करते थे। और कोई भी एडवाइस अपने जो मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, मिनिस्टर हुआ करती थी, उसके आधार पे उससे सलाह लिया करते थे। ठीक है, 8th century तक का जो हिस्ट्री है उसको हम लोग एंशियंट हिस्ट्री के नाम से जानते हैं। 8th century तक का, यानी कि 800 ईस्वी तक का जो आपका इतिहास है उसको हम लोग एंशियंट हिस्ट्री के नाम से जानते हैं। 8th century से लेकर के 18th century तक का हिस्ट्री जो है वो मेडाइवल हिस्ट्री के नाम से जाना जाता है, मेडाइवल पीरियड यानी मध्यकाल के नाम से जाना जाता है। और 18th century के बाद का जो हिस्ट्री है उसको हम लोग आमतौर पे मॉडर्न हिस्ट्री के नाम से ये जानते हैं, और ये मॉडर्न पीरियड था वो जो है आधुनिक काल का समय होता है। ठीक है, और मेडाइवल पीरियड में जो पॉलिटिकल और जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम होता था उसमें बदलाव आना शुरू हुआ, है ना। ये बदलाव दो तरीके से देखा गया, एक तो पहले जो होता था उसके बाद अब जो मेडाइवल पीरियड आया उसमें क्या होने लगा कि जो सैलरी हुआ करती थी वह मेडाइवल पीरियड में क्या हुआ कि जो सैलरी थी वह आर्मी को या एडमिनिस्ट्रेटिव जो ऑफिसर्स होते थे उनको लैंड ग्रांट के थ्रू दिया जाने लगा, यानी कि उनको सैलरी कैश में नहीं दी जाती थी, उनको सैलरी की जगह राजा क्या करता था, किंग क्या करता था कि उनको लैंड ही ग्रांट कर देता था, मतलब लैंड ही दे देता था कि मैं आपको जो है कि कैश नहीं दूंगा, आप जो है कि ये ज़मीन लीजिए और इस ज़मीन पे जो है कि ये आपका है, इसी में जो है कि आप जो भी प्रोड्यूस करना है उसको प्रोड्यूस करिए और इसी को अपनी आप सैलरी समझिए। ठीक है, तो इस तरह से एक तरह से अगर देखा जाए तो राजा ने क्या किया था कि इन लैंड्स पे जो कि उसने अपने ऑफिसर्स को दे दिया था, इस जो है कि लैंड पे अपना जो वेरियस जो उसका क्लेम था उसको उसने क्या किया था, खो दिया था, उसको जो है कि दूसरे को दे दिया था। उसके पास कुछ अपने जो निजी लैंड हुआ करते थे बस उसी का वो स्वामी रह गया था, उसी का वो मालिक रह गया था। ठीक है, और उस क्षेत्र को जो रिवेन्यू प्राप्त होते थे, जो उस क्षेत्र को रिवेन्यू प्राप्त हो जाते थे होते थे, अब वो राजा को रिवेन्यू ना मिल करके किसको जाता था, उस व्यक्ति को चला जाता था जो व्यक्ति वो लैंड जो है ग्रांट में राजा से पाया हुआ होता था। मेडाइवल पीरियड में जो दो चेंज की मैंने बात की थी वो पहला चेंज तो ये था कि सैलरी जो है कि अब कैश के फॉर्म में न दे करके लैंड के फॉर्म में दी जाती थी। ठीक है, और सेकंड चीज़ हमको इसमें जाननी है वो ये कि जो राजा का सहायक होता था, जो राजा का सबॉर्डिनेट होता था, वह एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था राजा की जब कोई विजय प्राप्त करता था उसमें। ठीक है, तो राजा की विजय प्राप्त करने में जो उसका एक सहायक होता था वह उसमें जो है कि अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाया करता था। ठीक है, और ये जो सबॉर्डिनेट हुआ करते थे वो राजा को समय समय पर जो है कि अपनी वफादारी राजा के प्रति सिद्ध करने के लिए समय समय पर राजा को ट्रिब्यूट और जो टैक्स वगैरह होते हैं, है ना, उसको वो प्रोवाइड किया करता था, उपहार के रूप में जो है कि राजा को दिया करता था। चीफ को, ये जो सबॉर्डिनेट चीफ हुआ करते थे, इनको जो मेडाइवल पीरियड है उसमें इनको फ्यूडेटरी चीफ या सामंत के नाम से जाना जाता था, फ्यूडेटरी चीफ या सामंत के नाम से जाना जाता था। ये जो सामंत की प्रथा थी इसकी शुरुआत सबसे पहले गुप्त रूल के समय में हुई थी, गुप्त शासन के समय में हुई थी। ठीक है, और ये जो सामंत होते थे ना स्टूडेंट, वो बड़े ही पावरफुल होकर के उभर जाते थे, और इतना पावर अपने पास वो जो है कि ये कलेक्ट कर लेते थे, इतनी पावरफुल वो हो जाते थे कि वो राजा के खिलाफ भी वो क्या करते थे, रिवील कर देते थे, विद्रोह कर देते थे और अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिया करते थे। राजा से के खिलाफ विद्रोह करके अपना एक अलग राज्य जो है कि स्थापित कर लिया करते थे और स्वयं उस राज्य के वो मुखिया हो जाया करते थे। और मेडाइवल पीरियड में ये सिस्टम जो है कि 800 सेंचुरी से जो शुरू हुई वो लगभग जो है कि 1800 सेंचुरी तक चलती रही, और 1800 सेंचुरी के बाद फिर
फिर जो है कि कुछ चेंजिंग देखने को मिला पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में, कब, जब जो है कि यूरोपियन ट्रेडिंग कंट्रीज जब भारत में आए, है ना, तो उस समय जो है कि व्यापार करने के लिए जब वो आए, तब उसमें फिर जो है कि कुछ बदलाव देखने को मिला। ठीक है, आइए हम लोग जो है इस अगला पॉइंट स्टडी करते हैं, वो थोड़ा डिटेल में जा करके स्टडी करते हैं, किस चीज़ का, मेडाइवल पीरियड इन इंडिया, यानी भारत में मध्यकाल, इसका हम डिटेल स्टडी करना शुरू करते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स, भारत में जो मेडाइवल पीरियड था, वो लार्ज वैरायटी के डेवलपमेंट के लिए जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जब मेडिवल पीरियड शुरू हुआ, जब मेडिवल पीरियड की शुरुआत हुई, तो मेडिवल पीरियड में समाज के अंदर, राज्य के अंदर, हर क्षेत्र में बहुत सारे जो है बदलाव आए, और इस काल में जो है नए नए टेक्नोलॉजी, अलग अलग तरह के, अलग अलग समय के नए नए जो टेक्नोलॉजी थे वो सब देखने को मिले। और ये बदलाव क्या थे, जैसे कि मेडाइवल पीरियड आया, तो मेडाइवल पीरियड में आप जो है कि पार्शियन व्हील का को देखा गया यूज करते हुए, पार्शियन व्हील जिसका कि इस्तेमाल जो है सिंचाई के लिए, पानी निकालने के लिए किया जाता था। इसके अलावा जो है जो स्पाइनिंग व्हील था, स्पाइनिंग व्हील वो देखने को मिला, जिसका इस्तेमाल जो है कि कपड़े की बुनाई में किया जाता था। इसके अलावा जो फायर आर्म्स थे, है ना, वो जो है देखने को मिले। और इसके अलावा जो है कि जैसे जैसे बाहरी लोग भारत के अंदर आते गए, उन्होंने जो है कि नया नया जो है कि फूड, है ना, नए नए जो है व्यंजन, इसके अतिरिक्त जो है कि नए नए बेवरेज यानी कि पेय पदार्थ, इन सब नए नए आविष्कार शुरू हुए, नई नई चीज़ें देखने को भारत के अंदर मिली। और ये बदलाव की जो परंपरा थी वो कैसे शुरू हुई, जब बाहर से लोग भारत के अंदर आना शुरू किए, जब आउटसाइडर जिसको हम बोलते हैं वो भारत के अंदर आए, तो भारत के अंदर ये सब अपने साथ क्या लाए, बदलाव लाए। और ये जो बाहरी लोग आए थे, उन्होंने क्या किया कि वो लोग जब आए तो अपने साथ नए नए विचार, नए नए टेक्निक, ये सारी चीज़ें लाए, जिससे कि भारतीयों को उन्होंने क्या किया, इंट्रोड्यूस कराया, भारतीयों ने भी जो है कि इसको सीखा। इस तरह से हम कह सकते थे कि जो मेडाइवल पीरियड का समय था वो आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और कल्चरल, है ना, जो चेंज का जो है कि ये पीरियड था। और यही वो समय था स्टूडेंट कि सिर्फ जो है कि इन्हीं चीज़ों में बदलाव देखने को नहीं मिला, बल्कि रिलीजन, हिंदू जो रिलीजन होता है उसमें भी काफ़ी बदलाव आए, हिंदू रिलीजन में भी काफ़ी बदलाव आए। वो बदलाव जैसे कि एग्जांपल के तौर पे कि मेडाइवल पीरियड में क्या हुआ कि बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा करने की प्रथा की शुरुआत हुई, बहुत सारे देवी देवताओं की जो है कि पूजा करने की शुरुआत हुई। ठीक है, इसके अलावा जो अमीर वर्ग, जो धनी वर्ग और जो उच्च वर्ग होते थे, इन देवताओं के लिए उन्होंने क्या किया कि मंदिरों की स्थापना की। और इसी समय समाज के अंदर खास करके अगर साउथ इंडिया की बात करें, तो साउथ इंडिया में जो ब्राह्मण थे उनका महत्व अत्यधिक बढ़ा, ब्राह्मणों का महत्व भी अत्यधिक बढ़ा। खास करके अगर देखा जाए तो जो प्रेस्ट वगैरह क्लास थे, जो पुजारी वगैरह क्लास थे, इन लोगों का महत्व अत्यधिक बढ़ा इस समय में। और यही मध्यकाल था जब पहली बार जो है एक नया धर्म, जिसको कि इस्लाम धर्म के नाम से जानते हैं, वो नया धर्म जो है भारत के अंदर पहुंचा। और ये धर्म जो है किसके सहारे पहुंचा था, ये धर्म जो है अपने धर्म का प्रचार करने के लिए भारत पहुंचा था। और ये धर्म जो व्यापारी थे, जो ट्रेडर्स जो है कि इंडिया में आते थे व्यापार करने के लिए, उन लोगों के साथ ये आते थे। और उनका काम था क्या कि जो होली इनका कुरान था, जो पवित्र कुरान था भारत के अंदर से जो है उसका प्रचार प्रसार करना। और ये इस काम की शुरुआत कब हुई, 7th century में हुई, 7वीं शताब्दी में। और ये जो मुस्लिम रूल था, जो मुस्लिम शासन था जो है, ये जो है अपने साथ बहुत सारे बदलाव भारत के अंदर लेकर के आए। ठीक है, और जब इनका शासन शुरू हुआ तो हम सब जानते हैं कि इन्होंने बहुत से धीरे धीरे जो है कि क्षेत्रों को जीतना शुरू किया। काफ़ी हद तक हमने देखा कि हिंदुओं का जो है कि काफ़ी शोषण भी हुआ, है ना, काफ़ी शोषण भी हुआ। तो ये सारी चीज़ों को हम लोगों ने देखा। और इनके शासन से कुछ जो कुरीतियाँ थीं, उन सारी चीज़ों से छुटकारा देने के लिए फिर क्या हुआ कि भक्ति मूवमेंट, हिंदू धर्म में भक्ति मूवमेंट की शुरुआत हुई। और जो है मुस्लिम जो धर्म था उसमें सूफिज्म की जो है कि शुरुआत हुई। ठीक है, और इन दोनों ने ही कहा कि भैया अपने धर्म के अनुसार अपनी भक्ति करो,
और बिना किसी हस्तक्षेप के एक दूसरे के आप लोग जो है कि भक्ति करिए, ठीक है। आप जिसको मानते हैं, जिस धर्म को मानते हैं, उस धर्म में आप जो है कि जो अपने खुदा का या अपने भगवान की आप पूरी तरह से स्वतंत्र होकर के भक्ति कीजिए। भारत में जो मेडाइवल पीरियड था, इसका जो स्टडी है वो हम तीन तरह से करेंगे। पहले पार्ट में हम जो है कि जो स्टडी करना है वो ये करना है कि द राइज ऑफ न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप, है ना, जिसकी शुरुआत जो है कि 8th century में मानी जाती है। और जो सेकंड हमको स्टडी करना है मेडिवल पीरियड में, वो है दिल्ली सल्तनत, जिसकी जो है कि शुरुआत होती है 12th century से और जिसका लास्ट होता है आपका 16th century तक। इसके बाद हमको थर्ड पे क्या स्टडी करना है, जो है कि मुगल रूल, जिसकी शुरुआत 16th century में होती है और जिसका लास्ट जो है 18th century में होता है। तो इन तीन चीज़ों को हमको इसमें देखना है, ठीक है। तो इस तरह से जो हम इसके आगे का जो है कि जो हम पढ़ेंगे वो जो है हम सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।